देश में भी कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 3 लाख के करीब पहुंच गई है, जबकि कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर 8,498 हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,47,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। बात अगर हम महाराष्ट्र की करें तो कोरोना के सबसे ज्यादा केसेज यहाँ से सामने आए हैं। लगातार यहाँ पे आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 10,956 नए कोरोना पॉजिटिव मिले, जो कि एक बड़ा आंकड़ा है। 396 लोग जान गंवा चुके हैं पिछले 24 घंटे में। अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता प्रीत किरण फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीत, देखिए लगातार ही आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और अब तो भारत भी चौथे नंबर पर आ चुका है। कोरोना संक्रमण जिस प्रकार से तेजी से यहां पर बढ़ता जा रहा है, क्या नई अपडेट आपको मिल पा रही है? जी बिल्कुल मनीषा, ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया में चौथे स्थान पर आ चुका है। जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लगभग 3 लाख मामले हो चुके हैं देश के अंदर एक दिन में। ये कहा जाए कि सबसे ज्यादा बढ़ने के जो मामले थे वो रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। 9-10 हजार लगभग मामले जो है, 10,000 से ज्यादा मामले एक दिन में आ चुके हैं। तो ऐसे में काफी ज्यादा जो मामले हैं वो अब बढ़ते नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से नई एडवाइजरी आ रही है और लगातार सरकार नई नई गाइडलाइन जारी कर रही है। प्राइवेट अस्पतालों को कैप लगाने की बात की जा रही है। जिस तरीके से कल स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बैठक हुई थी, उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो निजी अस्पताल हैं वो भी ज्यादा नहीं वसूलेंगे। हर राज्य में राज्य सरकारें इसके लिए गाइडलाइन जारी करें, इसके लिए कैप लगाए। सबसे पहले तमिलनाडु ने अपने यहाँ पे रेट तय किए थे अस्पतालों में, जिस तरीके से ट्रीटमेंट होगा उसका। और अब दिल्ली सरकार की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि निजी अस्पताल एक अपने ऊपर एक रोक लगाए। मैक्स जो हॉस्पिटल है देश भर में, उन्होंने अपने तरफ से रेट चार्जेस जो है वो आज जारी कर दिए कि जो रेट रहेंगे वो इससे ज्यादा नहीं रहेंगे। जो नॉर्मल वार्ड है जहाँ पर मरीज को भर्ती किया जाएगा, उसमें 25,000 से ज्यादा के रेट्स नहीं रहेंगे। वहीं जो पेशेंट जिनको वेंटिलेटर पे रखा जाएगा, उसमें 50,000 से 75,000 से ज्यादा जो रेट है वो नहीं लिए जाएंगे। इस तरीके से एक कैप लगाया गया है, हर अस्पताल अपने तरीके से लगाया गया। हालांकि दिल्ली सरकार ने रेट तय नहीं किए हैं, इसी आधार पर बाकी जो राज्य है केंद्र सरकार के जिस तरीके से एडवाइजरी आई है, जिस तरीके से निर्देश आए हैं, उसको फॉलो करते हुए सभी राज्यों में इस तरीके से कैप लगाया जाएगा, ताकि जो जो गरीब तबका है वो जो निजी अस्पताल में जो ट्रीटमेंट करा रहा है मध्य वर्ग, उनको कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट में सुविधा होगी। प्रीत, कहीं ना कहीं इस प्रकार की एडवाइजरी जारी करना बहुत जरूरी हो रहा था, क्योंकि खबरें इस प्रकार की सामने आ रही थी कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट जो है वो वसूल कर रहे हैं, जो एक नॉर्मल फैमिली भी अफोर्ड नहीं कर सकती, एडवांस पैसा वसूली कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये एक अहम चीज हो जाएगी, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और इस समय जनता की सहूलियत, जन सहूलियत को ध्यान में रखना भी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, जनता की सहूलियत को ध्यान में रखना जरूरी है। जो गवर्नमेंट अस्पताल है दिल्ली में, खासतौर पे अगर बात की जाए, जो एमसीडी के अस्पताल है वहां पर डॉक्टर्स को सैलरी नहीं मिल रही है, इस वजह से कुछ डॉक्टर्स रिजाइन करने की बात कर रहे हैं। तो कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लेते हुए कल इस पूरे मामले में सुनवाई करने के लिए कहा है कि जिस तरीके से डॉक्टर्स को सैलरी नहीं दी जा रही है, जो सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं सुविधा देने की बात है। जिस तरीके से मुंबई में जो जो केसेस लगातार डबल हो रहे थे, ये कहा जाए कि 12 दिन में, 11 दिन में या एक सप्ताह में जो केसेस डबल हो रहे थे, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगी है। क्योंकि सरकार की तरफ से जो निजी अस्पताल है, जो छोटे छोटे क्लिनिक्स हैं उनको प्रमोट किया गया, डॉक्टर्स को टाइमली सैलरी दी गई, पीपीई किट प्रोवाइड किया जाए, इसी पहल पे जिस तरीके से दिल्ली में अब लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, ये जो नया तरीका है वो दिल्ली सरकार को भी अपनाना होगा। छोटे छोटे क्लिनिक्स में पीपीई किट बांटने होंगे, डॉक्टर्स को टाइमली सैलरी दी जाए, और तमाम जो छोटे छोटे अस्पताल है उनको प्रॉपर ओपन किया जाए, ताकि जो गरीब तबका है वो बड़े अस्पतालों तक ना पहुंचे, छोटे अस्पतालों में ही अपना ट्रीटमेंट करा ले, घर के पास के जो अस्पताल है वहां पर अपना इलाज करा ले। ऐसे में कहीं ना कहीं जल्द से जल्द
जो एक्टिव केसेस है उनको कम करने में बिल्कुल सरकार को एक तरीके से इस पे कामयाबी हासिल होगी। बिल्कुल प्रीत किरण, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए, जिस प्रकार से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, अब नई एडवाइजरी के अकॉर्डिंग निजी अस्पताल को भी ऑर्डर्स दिए गए हैं कि ज्यादा पैसा वसूल ना करें।